नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। डोडा वन विभाग ने एनजीओ वर्क और नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से धनदल वन कंपार्टमेंट नंबर 8 सरज रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। कार्यक्रम में एनजीओ वर्क इंचार्ज और चैरिटेबल ट्रस्ट हेल्पिंग नवोदय एक्सप्रेस के चेयरमैन हरदेव सिंह मनहास, बीट गार्ड बशारत खान, फॉरेस्ट राइट कमेटी के चेयरमैन कश्मीर सिंह, नायब सरपंच पंचायत अपर मुंधार शब्बीर अहमद, PRI सदस्य जयपाल भाऊ पंचायत मुंधार, लोअर रे द्रोभरी वार्ड मोहम्मद हनीफ सहित उपस्थित थे। कार्यक्रम का नेतृत्व एनजीओ के चेयरमैन हरदेव सिंह ने किया, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर विचार विमर्श किया। FRC के चेयरमैन कश्मीर सिंह ने कहा कि हमारा पर्यावरण इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया कि हमारे आसपास को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और सभी से पर्यावरण की देखभाल करने की अपील की। चेयरमैन एनजीओ हरदेव सिंह एवं वन विभाग गार्ड बशारत खान ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के महत्व पर विचार विमर्श किया। हरदेव मनहास ने कहा कि नदियां और झीलें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पीने के पानी के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, भूजल पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, जैव विविधता का समर्थन करती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करती हैं। व्याख्यान के दौरान हरदेव सिंह एनजीओ चेयरमैन ने एक पशु गिलहरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानकारी दी। हरदेव मनहास ने कहा कि गिलहरी इंसानों से ज़्यादा पौधे लगाने में अहम भूमिका निभाती है। विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर हरदेव सिंह मनहास ने कहा कि हमें इस छोटे से जानवर से सीख लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हमने सब ने मिल के हमारे बीट गार्ड PRI मेंबर, हमारे नायब साहब श्री शब्बीर जी सब ने मिल के हमने पौधे लगाए। तो कहने का हमारा ये मुद्दा है, मकसद यह है कि हर साल, जैसे आपने भी बताया वैसे मैं भी ये कहना चाहता हूँ और हर फैमिली से तकरीबन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर फैमिली साल का पूरे परिवार, अगर जिसके जिस परिवार में 4 आदमी हैं तो मेरे ख्याल में अगर 4 दरख्त साल के लगेंगे तो बहुत बड़ी एक तरक्की होगी। तो ये जो बहुत अच्छा लगा हमें, हम यहाँ पे आए, यहाँ का आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ के पौधे देख रहे हैं, हमने लगाए शुरुआत की तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये अच्छी पहल है तो अच्छा मौका भी मिलता है, सभी लोग एक जज्बे जुनून के साथ आते हैं, शिरकत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। चले नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून है, हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इसी की कड़ी को देखते हुए आज, इसी शुभ अवसर को देखते हुए आज मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है हम सब के बीच कि ऐसे दिन हम मनाएं जिससे कि पूरी सृष्टि इसी एनवायरनमेंट पे है। प्लांट्स की वजह से ही, पेड़ पौधों के कारण ही इस सृष्टि पे, हमारी इस धरती पर सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, जुनून के साथ, बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। एक त्यौहार के तौर पर, एक फेस्टिवल के तौर पर आज यहाँ पर मनाया गया। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लाइज़, PRI मेंबर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे FRC चेयरमैन कश्मीर सिंह जी, हनीफ जी ये चेयरमैन, नायब सरपंच शब्बीर जी और इसके अलावा और भी सदस्य यहाँ पे थे फॉरेस्ट एम्प्लाइज़ की जानिब। हमने मिलजुल के, और मैं चेयरमैन हूँ NGO नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, और मुझे लगा कि आज इस दिन को हम मिल के मनाएं और लोगों को भी मैसेज दें कि इस दिन को ही नहीं बल्कि आगे पीछे भी हमने प्लांट्स लगाने चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलना होगा और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लाना होगा जिससे कि हम माहौल को बचा सकें। ग्लोबल वार्मिंग की जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है पूरी दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह आज सिर्फ 5 जून को ही इस त्यौहार को, इसको मैं कहूँगा कि एक त्यौहार के तौर पर हमें मनाना चाहिए। जितने और त्यौहार हैं उनमें अगर इतनी खुशी से इस उन त्यौहारों को मनाते हैं तो हमें चाहिए कि इसको भी एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जीव है, छोटा सा जीव है,
जो इंसान से भी ज़्यादा पौधे लगाता है। आपको आश्चर्य होगा और पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे कि गिलहरी एक छोटा सा जीव है जो इंसान से भी ज़्यादा पेड़ लगाने में उसकी अहम भूमिका है, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। वो जगह जगह पे जहाँ पे भी फल वगैरह वो खाता है, वो गिलहरी जो है जीव है, एक छोटा सा जीव है, जगह जगह पे वो बीज डाल के वहाँ मतलब पौधे जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो इंसान से ज़्यादा गिलहरी जो है वो पेड़ पौधे लगाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे जीव से शिक्षा लेनी चाहिए जिस प्रकार एक जीव हमें संदेश दे रहा है और